हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग लगी हुई है, इसके बारे में मैंने बताया है पहले भी। इधर आओ। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है ना। अभी है क्या, इसको बोलते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट प्रिंटर पढ़ी हो एमएस वर्ड में बताया था फॉर्मेट प्रिंटर, तो फॉर्मेट कॉपी हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो फॉर्मेट है ना इसको आप कॉपी कर सकते हैं। इसी को लिब्रा ऑफिस में क्लोन फॉर्मेटिंग बोलते हैं। जो एमएस ऑफिस में फॉर्मेट प्रिंटर होता है इसको लिब्रा ऑफिस में क्लोन फॉर्मेटिंग बोलते हैं। होता कहाँ है, क्या है, ब्रशवा जो दिख रहा है ना यही है, इसी पे क्लिक कर दो। इसी फॉर्मेट को जहां लगाना हो आप माउस का लेफ्ट बटन दबा लो, और एक बार दबाने के बाद छोड़ना नहीं है, इसी पे चलाती चली जाओ। जहां तक चलाओगी यही वाला फॉर्मेट आ जाएगा। देखो कलर में किए हैं हम इसलिए कि यही फॉर्मेट वह दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ही एंटर किया तो ये देखो ये सब आ गया, फॉर्मेट कॉपी हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर इस पूरे को तुम कॉपी करते हो, चूंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये कलर नहीं है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो पूरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कॉपी हो सकती है। देखो यहां पे फिर मैं करता हूं, यहां पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये फॉर्मेट जरूर कॉपी हो गया लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई गई है तो कलर नहीं आएगा इस पे। ठीक है, बाकी ये देखो लाइनिंग बन गई है, इसे कहते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग। अगर मैं इस पर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता हूं, लाइक यहां पे देखो ये हटा दिया मैंने, ठीक है, अब देखो ये हटा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा रहे हैं, इसमें कुछ और लगा देते हैं यहां से, लाइक ये वाला कलर लाइक ऐसे लगा देते हैं यहां पर, ये देखो ये ना कौन सा कलर है, इसको यहां से सेलेक्ट करो और यहां पे पीला कलर लगा दो। ठीक है, ये पीला अप्लाई नहीं होगा जब तक कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाओगी नहीं, तो यहां से हटा दो, यह है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो लगा हुआ है उसको यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हटेगा, रिमूव पे क्लिक कर दो, यहां से भी रिमूव कर दो, यहां से भी रिमूव कर दो, अब ओके कर दो, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगा। अब जो पीला कलर अप्लाई किया था वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा सकते हो। अब क्लोन फॉर्मेटिंग देखो क्या होता है, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो चली जाओ, अब देखो यहाँ पे अगर ड्रैग करते हैं देखो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से ड्रैग किया, इतना दूर में ड्रैग किया हमने और यहाँ पे यस कर दो, तो ये देखो ये पूरा फॉर्मेट कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो जो कलर यहाँ पे अप्लाई हुआ है वही कलर इस पे भी अप्लाई हो गया कि नहीं हुआ, है ना, फॉर्मेट कॉपी हो जाता है। ठीक है, इसी का मतलब होता है क्लोन फॉर्मेटिंग, इसी को एमएस ऑफिस में बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ठीक है ना, ठीक है।